हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेज. स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सी आवर रीडर विजडम बुक्स सेकेंड चैप्टर लीफ ऑफ कंटेंट. क्वेश्चन आंसर, टिक द करेक्ट आंसर. फर्स्ट, ए वेरी अनयूजुअल काइंड ऑफ वर्ड विद ब्लैंक फीदर केम आउट ऑफ इट. एक बहुत ही असामान्य प्रकार का पक्षी फीदर पंख के साथ में केम आउट ऑफ इट, बाहर आया. तो उस घोंसले से ग्रीन फीदर, इसमें आएगा आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्रीन फीदर, हरे पंख वाला पक्षी बाहर आया. सेकंड, देवी प्रसाद इनवाइटेड द बर्ड टू स्टे विद देम ड्यूरिंग द क्वेश्चन. सेकंड का करेक्ट आंसर होगा ए, विंटर. विंटर सीजन में उन्होंने उस पक्षी को अपने साथ रहने के लिए इनवाइट किया था. क्वेश्चन थर्ड है, द ग्रीन लीफ वाज मिंट फॉर, हरी पत्ती का मतलब था कंटेंटमेंट, संतुष्टि. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी. फोर है, द लीफ वाज स्टिच्ड अप इन द लाइनिंग ऑफ द कोट. जो पत्ती थी वो लाइनदार बने हुए कोट में रखी रहती थी. बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स. सूटेबल वर्ड्स के साथ में आपको इन ब्लैंक्स को फिल करना है. क्वेश्चन फर्स्ट, द पर्सन हु गेट्स गोल्डन लीफ ऑलवेज रिमेन्स रिच. वह व्यक्ति जो सोने की पत्ती प्राप्त करता है वह हमेशा अमीर रहता है. क्वेश्चन सेकंड, द किंग अपॉइंटेड देवी प्रसाद ऑन ए हाई पोजिशन. राजा ने देवी प्रसाद को एक ऊंची पोजिशन पर रखा, नियुक्त किया. क्वेश्चन थर्ड है, रमाकांत पाउंस्ड अपॉन देवी प्रसाद. रमाकांत ने देवी प्रसाद के सिर पर मारी, पाउंस्ड उसको मारा. फोर है, दे बोथ लिव्ड हैप्पीली टुगेदर शेयरिंग हैप्पीनेस. दे बोथ, वे दोनों लिव्ड रहने लगे हैप्पीली, प्रसन्नता से. टुगेदर एक साथ, शेयरिंग हैप्पीनेस प्रसन्नता बांटकर, वे प्रसन्नता का बांटकर एक दूसरे से साथ में प्रसन्न रहने लगे. सी है, रीअरेंज द सेंटेंसेज बाई पुटिंग नंबर इन द राइट ऑर्डर टू मेक अप द स्टोरी. आपको इसको करेक्ट, जो इनके नंबर आगे लिखे हुए हैं कि कौन से नंबर पर फर्स्ट सेंटेंस कौन से नंबर पर, कौन सा सेंटेंस कौन से नंबर पर आएगा, तो आपको फर्स्ट टू टेन करेक्ट ऑर्डर से, करेक्ट सीरियल वाइज आपको इनको सेट करके वापस सेंटेंस लिखने हैं और फिर इनकी स्टोरी बनानी है करेक्ट. तो इस क्वेश्चन को आपको नोटबुक में नहीं करना है, ओनली बुक में आप इसके आगे इस तरह से नंबर मार्किंग फिल कर लें. फर्स्ट, देवी प्रसाद रिमेंड पुअर बट द ग्रीन लीफ मेड हिम हैप्पी. ये आएगा आपके नाइन नंबर पर. सेकंड है, द बर्ड ब्रॉट टू मैजिक लीव्स. जो पक्षी दो जादुई पत्तियां लाया, ये फोर्थ नंबर पे आएगा. थर्ड है, रमाकांत एंड देवी प्रसाद वर ब्रदर्स. रमाकांत और देवी प्रसाद भाई थे, ये फर्स्ट नंबर का है. फोर है, द किंग ऑफर्ड देवी प्रसाद ए हाई पोजिशन इन रॉयल कोर्ट. राजा ने देवी प्रसाद को शाही को दरबार में एक ऊंची पोजीशन पर रखा, यह है सेवन नंबर पर. फिफ्थ है, रमाकांत वाज जीलियस एंड स्टोल द ग्रीन लीफ. रमाकांत ईर्ष्यालु था और उसने हरी पत्ती को चुरा लिया था, ये है एट नंबर पर. सिक्स है, रमाकांत सोल्ड बिट्स ऑफ गोल्ड लीफ एंड गोट मनी. रमाकांत ने सोने की पत्ती का एक टुकड़ा बेच दिया और धन प्राप्त किया, ये सिक्स नंबर पर. नेक्स्ट है, वंस दे लेट ए बर्ड स्टे विद देम फॉर विंटर सीजन. एक बार वह पक्षी सर्दी के मौसम में रहने के लिए उनके पास आया, ये है थर्ड नंबर का. देवी प्रसाद वॉज काम एंड प्लीजेंट वाइल रमाकांत वॉज क्वारलसम. देवी प्रसाद शांत और अच्छा था, वाइल रमाकांत वॉज क्वारलसम, की रमाकांत झगड़ालू था, ये है सेकेंड नंबर का. नाइन है, रमाकांत रिटर्न द लीफ ऑफ कंटेंटमेंट टू देवी प्रसाद एंड लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर. रमाकांत ने वह संतुष्टि की पत्ती लौटा दी और देवी प्रसाद और वह
प्रसन्नता से इसके बाद में रहने लगे। तो इसमें 10 नंबर पर आएगा ये। 10 है पीपल कम टू देवी प्रसाद टू शेयर हिज हैप्पीनेस, लोग देवी प्रसाद के पास अपनी प्रसन्नता बांटने के लिए आते थे, ये है 6 नंबर का। इसके बाद में है आपके क्वेश्चन आंसर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड रमाकांत एंड देवी प्रसाद लेट द बर्ड स्टे फॉर विंटर, रमाकांत और देवी प्रसाद ने उस पक्षी को विंटर सीजन में वहां रहने के लिए इनवाइट क्यों किया। आंसर है बिकॉज हिज नेस्ट फेल ऑन द ग्राउंड, क्योंकि उस पक्षी का घोंसला जमीन पर गिरकर टूट गया था। सेकंड है व्हाई डिड रमाकांत सेल हिज गोल्डन लीफ, रमाकांत ने उसकी सोने की पत्ती को क्यों बेच दिया। आंसर है रमाकांत सोल्ड हिज गोल्डन लीफ टू गेट गुड अमाउंट ऑफ मनी, रमाकांत ने उसकी सोने की पत्ती को बेच दिया टू गेट प्राप्त करने के लिए गुड अमाउंट अच्छी राशि ऑफ मनी, धन की एक अच्छी राशि प्राप्त करने के लिए उसने अपनी सोने की पत्ती बेच दी। क्वेश्चन थर्ड है हाउ डिड रमाकांत प्लॉट अगेंस्ट देवी प्रसाद, डिड ही सक्सेड इन इट, रमाकांत ने देवी प्रसाद के खिलाफ कैसे योजना बनाई और क्या वह इसमें सफल हुआ। आंसर है रमाकांत न्यू दैट देवी प्रसाद कैरिड द लीफ ऑफ कंटेंट विद हिम ऑल द टाइम, रमाकांत जानता था कि देवी प्रसाद कैरिड द लीफ ऑफ कंटेंट विद हिम ऑल द टाइम, संतुष्टि की पत्ती को वह हमेशा अपने साथ रखता है। स्टिच्ड अप इन द लाइनिंग ऑफ हिज कोट, लाइनदार सिले हुए एक कोट में, ही मेड अप हिज माइंड टू स्टील द कोट, उसने उस कोट को चुराने की योजना बनाई। सेकंड क्वेश्चन है डिड ही सक्सेड इन इट, क्या वह इसमें सफल हुआ। यस ही सक्सेड इन इट, हाँ वह इसमें सफल हुआ। क्वेश्चन फोर है हाउ हैड देवी प्रसाद रिएक्टेड ऑन सीइंग हिज ब्रदर एक्सेप्टिंग हिज गिल्ट, जब उसके भाई ने अपनी गलती स्वीकार की तो इस पर देवी प्रसाद की क्या प्रतिक्रिया थी। आंसर है देवी प्रसाद फॉरगेव हिज ब्रदर एंड एक्सेप्टेड हिज ग्रीन लीफ एंड डिसाइडेड टू लिव टुगेदर, देवी प्रसाद ने अपने भाई को माफ कर दिया एंड एक्सेप्टेड हिज ग्रीन लीफ और उसकी हरी पत्ती को स्वीकार किया एंड डिसाइडेड टू लिव टुगेदर, एक साथ रहने का निश्चय किया। क्वेश्चन फिफ्थ है हु बिकेम हैप्पी एट द एंड, अंत में कौन प्रसन्न हो गया। आंसर है रमाकांत बिकेम हैप्पी एट द एंड, रमाकांत भी अंत में प्रसन्न हो गया। तो स्टूडेंट्स ये हैं आपके सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें आपको अल्टरनेटिव फिल इन द ब्लैंक्स ओरल क्वेश्चन एंड ये क्वेश्चन जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है फिल्प, ये सभी आपको नोटबुक में करने हैं। जो रीअरेंज स्टोरी का क्वेश्चन है वो आपको केवल बुक में ही करना है, नोटबुक में नहीं करना है। तो आप इसको वर्क करें और लर्न करें। ओके थैंक्स।